हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिजिटल क्लॉक यूजिंग HTML, CSS एंड JavaScript। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने एक डिफरेंट डिज़ाइन बनाई है और हमने इसके ऊपर डिफरेंट CSS दी है। हमने कंप्लीट डिजिटल क्लॉक बनाई है जो कि हमें करंट टाइम आउटपुट में दे रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर यार आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को यार लाइक कर दीजिए। अगर यार आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर 1000 सब्सक्राइबर। आपके सपोर्ट और प्यार की हेल्प से यार हमने 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। और अगर यार आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम चलते हैं VS कोड एडिटर पर। और जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे पास index.html, CSS और JS तीन फाइलें हैं और ये हमने बेसिक सिंटैक्स लिखा है HTML का। तो डिजिटल क्लॉक के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर HTML लिख देते हैं। तो यहाँ पर एक मैं डिव ले रहा हूँ जिसकी क्लास हम यहाँ दे रहे हैं रैपर। उसकी क्लास हम यहाँ दे रहे हैं रैपर। और इसके अंदर एक और डिव होगा जिसकी हम क्लास दे रहे हैं क्लॉक। और इस क्लॉक ड्यू के अंदर एक और ड्यू होगा जिसके अंदर हम बेसिकली आईडी दे रहे हैं। तो आईडी हम दे रहे हैं इसलिए हम लिख रहे हैं हैश और आईडी का नेम है टाइम। तो इस जो हमारी आईडी है टाइम वाला ड्यू, इसके अंदर बेसिकली हमारा जो टाइम है वो यहाँ पर शो होने वाला है। तो अभी यहाँ पर मैं सिर्फ सबसे पहले हम इसके बाद हम CSS दे रहे हैं, तो इसीलिए मैं सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूँ। सिर्फ दिखाने के लिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं टाइम, अपने हाथ से लिख रहे हैं बेसिकली। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया। सिर्फ अभी हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी हमें CSS देना है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं CSS देना। यहाँ पर हमने फॉन्ट फैमिली और जो हमें बैकग्राउंड में कलर लगने वाला है वो हमने कमेंट आउट करके रखा है। हम यहाँ पर एक स्टार टैग ले रहे हैं जिसमें हम मार्जिन और पैडिंग 0 दे देंगे, जिससे क्या होगा कि यार जो अननेसेसरी विड्थ होती वो हमें नहीं मिलेगी। देन हम HTML और बॉडी टैग को टारगेट कर रहे हैं। हम इसमें क्या करेंगे बेसिकली डिस्प्ले आप देख रहे हैं ग्रिड, डिस्प्ले ग्रिड कर देंगे और प्लेस आइटम सेंटर कर देंगे, जिससे क्या होगा यार कि सभी हमारी चीज़ें सेंटर आएगी। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड जो हम बैकग्राउंड होने वाला है हमारा वो होने वाला है हमारा लाइट ब्लू। इस लाइट ब्लू को हम यहाँ पर थोड़ा कर लेंगे सेट, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर सेट कर लिया लाइट ब्लू कलर को। देन अब क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो क्लास थी रैपर नाम की उसको हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं और इसके अंदर सबसे पहले हम लिख देंगे विड्थ, जो विड्थ होने वाली बेसिकली हमारे पूरे उस ड्यू की जिसमें हमारी बॉर्डर है, तो 420 पिक्सल विड्थ होने वाली है। हाइट होने वाली है हमारी 110 पिक्सल हाइट होने वाली है। और जो बैकग्राउंड है यहाँ पर हम बैकग्राउंड दे देंगे रेड। तो जो यार ये बेसिकली बैकग्राउंड है रेड, तो हमें आउटपुट में तो रेड नहीं दिख रहा था, तो ये हम ये टेम्परेरी बैकग्राउंड दे रहे हैं, आपको आगे समझ आ जाए। क्योंकि हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ कलर हम डिफरेंट CSS देना चाहते हैं, उसी को बनाने के लिए हम यहाँ पर अभी टेम्परेरी इसे दे रहे हैं। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने विड्थ दे दी और हम यहाँ पर मार्जिन बेसिकली मार्जिन टॉप से दे देंगे। मार्जिन टॉप से हम यहाँ पर 6% दे देंगे और मैं इसे सेव करता हूँ। और यहाँ पर हम ओपन विथ लाइव सर्वर करके देख रहे हैं कि हमारा यहाँ तक आउटपुट किस तरीके से दिख रहा है। तो आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड कलर आ चुका है और हमारे पास जो ये था बेसिकली रेड कलर बैकग्राउंड में ये भी आ चुका है। तो हम यहाँ पर और इसे CSS देना बाकी है जो कि हम दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं हम 4 पिक्सल का, जिससे हमारी राउंडेड शेप में बॉर्डर हो जाती है। देन हम क्या करेंगे बेसिकली जो हमारे पास रैपर है, रैपर के अंदर हमारे पास क्लॉक क्लास है। रैपर के अंदर हमारे पास क्या है, क्लॉक क्लास। इसके अंदर हम पोजीशन रिलेटिव दे रहे हैं और टॉप से 50% दे देंगे, टॉप से 50% और लेफ्ट से 50%। टॉप और लेफ्ट से हम यहाँ पर 50-50% दे देंगे, जिससे क्या होगा यार ये नीचे आ जाएगा। देखिए आउटपुट आप देख सकते हो कि हमने किस लिए दिया, ये जो टेक्स्ट है मींस जो टाइम शो होने वाला है ये लेफ्ट से और टॉप से देखिए 50-50% आ चुका है। देन यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट
माइनस फिफ्टी परसेंट और ये भी होगा -50%। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट का हम यूज़ करते हैं कुछ रोटेट करने के लिए, एनिमेशन के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हम लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जिससे कि सभी चीज़ें जो हमारा टाइम है वो सेंटर में आ चुका है। आप देख सकते हो कि जो टाइम है सेंटर में आ चुका है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास डॉट क्लॉक है, क्लॉक के अंदर हमने एक आईडी दी थी बेसिकली टाइम नाइन की, उस आईडी को हमने दिया था टाइम नाइन की आईडी दी थी। देन अब हम क्या करेंगे बेसिकली उस आईडी को दे हम यहाँ पर फॉन्ट साइज़ दे देंगे, फॉन्ट साइज़ यहाँ पर हम दे देंगे 65 पिक्सल फॉन्ट साइज़ होगा। पैडिंग दे देंगे हम यहाँ पर, पैडिंग आप दे सकते हो 12 पिक्सल में पैडिंग दे दे रहा हूँ। देन इसके बाद यहाँ पर आता है हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट। देखिए हमने यहाँ पर विड्थ 420 और हाइट 110 पिक्सल दिखाई है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो विड्थ होगी हम यहाँ पर 15 पिक्सल कम विड्थ देंगे। क्यों देंगे कम विड्थ, क्योंकि आपको आगे समझ में आए हमको एक कॉम्बिनेशन ऑफ बॉर्डर बनाना है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर हो, है ना। तो हम यहाँ पर दे देंगे 405 पिक्सल विड्थ और हाइट हो जाएगी यहाँ पर 95 यहाँ पर 95 पिक्सल हाइट हो जाएगी। और जो बैकग्राउंड कलर ये है हम यही बैकग्राउंड कलर यहाँ पर दे देंगे। तो देखिए होगा क्या कि रेड कलर की हमारे पास एक बॉर्डर क्रिएट हो जाएगी रेड कलर की। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास एक रेड कलर की बॉर्डर क्रिएट हो गई। अब हमें क्या करना है यार कि हमें रेड कलर की बॉर्डर नहीं चाहिए, हमें तो क्या बोलते हैं मल्टीपल कलर, जो कि हमने अभी देखा था वीडियो शुरू करने से पहले कि मल्टीपल कलर में बॉर्डर चाहिए, तो वो कैसे लगाएंगे हम, तो उसे भी देखते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पर ये बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट लिखा है इसको हम कॉपी कर लेंगे। और ये जो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि बैकग्राउंड रेड हम टेम्परेरी लिख रहे हैं, इसका कुछ काम नहीं है, तो यहाँ पर हमने बैकग्राउंड रेड को कमेंट कर दिया और जो लीनियर ग्रेडियंट है इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसको कमेंट आउट कर देंगे। तो बेसिकली यार लीनियर ग्रेडियंट में हम डिफरेंट बहुत सारे कलर लिख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि येल्लो, पिंक, पिंक और ये हमने यहाँ लिख 3-4 कलर, आप कितने भी कलर लिख सकते हैं। तो जैसे ही मैं सेव करूँगा तो हमारे बॉर्डर पर तीनों कलर आ जाएंगे। देखिए हमारी बॉर्डर पर तीनों कलर आ चुके हैं। और इसको हम क्या करेंगे मार्जिन टॉप से हम थोड़ा इसे नीचे कर देंगे, जिससे क्या होगा कि यार ये प्रॉपर हमें विजिबल हो सके और सेंटर में भी दिख सके। इसे हम दे देंगे बेसिकली 33%, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम दे देंगे इसको कलर वाइट हो जाएगा। और जो हमने यहाँ पर फॉन्ट फैमिली लिखी है इस फॉन्ट फैमिली को भी यहाँ पर हम कॉपी कर लेंगे और इस बॉडी टैग में पेस्ट कर देंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे हमने फॉन्ट फैमिली अप्लाई की है उसका जो टेक्स्ट है वो चेंज हो चुका है। तो ये है यार था हमारा जो डिज़ाइन, जो कि हमने डिज़ाइन कंप्लीट कर चुका है। अब हमें इसे देना है जावास्क्रिप्ट। तो चलिए जावास्क्रिप्ट फाइल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर यार आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को यार लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि यार यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो YouTube इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाता है। तो प्लीज़ यार आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के एक सीरीज़ आने वाली है बिगिनर टू एडवांस, जिसमें हम बिगिनर से लेकर एडवांस प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर JS देना। सबसे पहले आपको लिखना है सेट इंटरवल। तो यार आपको पता होगा कि सेट इंटरवल क्या काम करता है, रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करता है। मतलब ये जो भी हम इसके अंदर टाइम दे देंगे ना ये परफॉर्म करते रहेगा, चलते ही रहेगा। तो इसके अंदर हम यहाँ पर एक माई फन नाम का फंक्शन लिख रहे हैं और इसके बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1000। तो देखिए हमारी यार डिजिटल क्लॉक, मतलब जो हमारी क्लॉक है वो किस तरीके से चलती है, वो इस तरीके से चलती है कि 1:05 और 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, मतलब जो सेकेंड है वो चलते ही रहते हैं। तो हमें भी क्या चाहिए कि हर एक सेकेंड बाद हमारी जो क्लॉक है वो चलते रहे। तो जावास्क्रिप्ट में एक सेकेंड होता है 1000 मिली सेकेंड के इक्वल, इसलिए हम जावास्क्रिप्ट में एक सेकेंड को लिखते हैं 1000। तो ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें एक सेकेंड बाद टाइम को अपडेट करते रहना है, इसलिए हमने क्या लिखा है
1000। और ये जो माई फन नाम का हमने एक फंक्शन का नेम है जिसे हम यहाँ पर नीचे डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन माई फन, ये माई फन नाम का हमारे पास फंक्शन है। और एक लेट डेट नेम से एक वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम न्यू डेट, तो बेसिकली यार न्यू डेट एक मेथड है जिसमें हमारे पास डेट और टाइम से रिलेटेड बहुत सारी मेथड्स है जिसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें यूज़ कर सकते हैं। एक और हम वेरिएबल ले लेंगे जिसका हम नेम दे देंगे टाइम, और उसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए जो न्यू डेट मेथड है वो हमने असाइन कर दी एक डेट नाम के वेरिएबल में। हम यहाँ पर लिखेंगे डेट डॉट टू लोकल, आप देख सकते हैं टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, इस पर हमको क्लिक करना है। तो यार मैंने जैसे कि आपसे कहा कि न्यू डेट के अंदर बहुत सारी मेथड है, तो जो टू लोकल टाइम स्ट्रिंग मेथड है ये आपको वो टाइम देती है जो आपके लोकल कंप्यूटर पर लैपटॉप पर टाइम हो रहा है इस वक्त, वो आपको टाइम या आउटपुट में देंगी, इसलिए हमने टू लोकल टाइम स्ट्रिंग का यूज़ किया। देन अब हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो जो हमारे पास आईडी है टाइम नाम से, जो आईडी हमने दी थी उस आईडी को टारगेट कर रहे हैं और उसके इनर एचटीएमएल में हम असाइन कर देंगे टाइम को, क्योंकि हमने इस टाइम के अंदर क्या आ चुका है, टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, मतलब जो लोकल टाइम है वो आ चुका है इस टाइम नाम के वेरिएबल में, और इस टाइम नाम के वेरिएबल में हमने असाइन कर दिया टाइम को। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो टाइम नाम से हमारे पास आईडी थी उसके इनर एचटीएमएल में, मतलब उस ड्यू के अंदर, बेसिकली हमने क्या किया इस ड्यू के अंदर, तो हमने इस ड्यू के अंदर टाइम को असाइन कर दिया। तो देखिए मैंने जो यहाँ पर टाइम लिखा था वो सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा था, तो अब हमने उसे हटा लिया है और इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। और अब हम चलते हैं यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पर, तो आप देख सकते हो कि जो हमारा डिजिटल क्लॉक का टाइम होता है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से चलने लगा है, और आप ये देख सकते हैं। और जैसे कि यार मैंने आपसे कहा था कि ये हमें लोकल टाइम देता है जो आपके लैपटॉप पर कंप्यूटर पर हो रहा है, तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ मेरे देखिए लैपटॉप पर यहाँ पर ये टाइम हो रहा है 2:04:40, 42:43। तो देखिए जो हमारे लैपटॉप पर टाइम हो रहा है वही इस पर टाइम आउटपुट शो कर रहा है। तो ये था यार हमारा आज का वीडियो डिजिटल क्लॉक के ऊपर, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यार आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को यार लाइक करें, शेयर ज़रूर कर देना। अगर यार आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको इस चैनल पर जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट की एक सीरीज़ मिलने वाली है जिसमें हम बिगिनर से लेकर एडवांस प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को यार सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।